तो दोस्तों 2013 मॉडल नंबर के साथ में स्विफ्ट डिजायर खड़ी हुई है, जो कि 61,000 किलोमीटर रन अप है, पेट्रोल में मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है 2013 मॉडल, 75,000 किलोमीटर गाड़ी रन अप है, डीजल में आपको मिल जाएगी फर्स्ट ओनर के साथ में। तो दोस्तों दोनों में मिल जाएगी, पेट्रोल और सीएनजी में। 2018 मॉडल नंबर के साथ में भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? ये गाड़ी चली है भैया 31,000 के आसपास। वेलकम बैक टू देसी व्लॉग एंड टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से देसी व्लॉग एंड टैक्टिक्स की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज फाइनली फिर से एक बार ये पार्ट टू लेके आ गया हूँ बेस्ट कार ट्रेड का। इनकी पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो पहला पार्ट आप जिसने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये लाल कलर का बटन दबा कर, एंड उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको प्रेस कर लेना, ताकि इन फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। और इस वीडियो को लेकर के आपका कोई भी सवाल है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, मेरे को जाकर फॉलो कर सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फाइनली दोस्तों आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं यश भाई। तो यश भाई क्या हाल है? बढ़िया भैया। तो सबसे पहले हाय बोलते मेरे व्यूअर्स को। हाय फ्रेंड्स। तो ये है आपका पार्ट टू, तो छोटे पहले हमने पार्ट वन बनाया तो आज पार्ट टू आ गया, क्योंकि इनके पास में गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि हम एक पार्ट में नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लेंथ हो जाएगी। तो आज थोड़ा सा फिर से गाइड कर दे एक बार कि आप दिल्ली वालों के लिए क्या फैसिलिटी देते हैं। दिल्ली वालों के लिए भैया लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद। ओके। 3 डेज मैक्सिमम में लोन करा सकता हूँ, इजीली लोन हो जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। ठीक है, बिल्कुल। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हो जाएंगी लोन की? सैलरीड पर्सन के लिए 6 महीने की बैंकिंग, 3 महीने की सैलरी स्लिप। ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, बिल्कुल। और बिजनेसमैन के लिए? बिजनेस के लिए 2 साल की आईटीआर, 6 महीने की बैंकिंग। ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, बिल्कुल। और अगर जो मेरे आधे स्टेट से किसी को गाड़ी पसंद आती है, जैसे दूसरे स्टेट से कोई मेरी वीडियो देख रहा, तो उसके लिए क्या एनओसी वगैरह? के लिए भी एनओसी अवेलेबल है, 2 वीक्स के अंदर मैक्सिमम एनओसी प्रोवाइड करा दूंगा। 2 वीक्स के अंदर। थोड़ा अपना एड्रेस वगैरह के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। एड्रेस का भैया ऐसा है कि नियरेस्ट मेट्रोजन मेरा गैलेक्सी, सॉरी वैशाली मेट्रोजन है। ठीक है। एंड थोड़ा सा उससे आगे चलोगे तो गैलेक्सी नहीं पड़ता है। ठीक है। उसके अपोजिट साइड मेरा शोरूम है। ठीक है, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखना बाइक के चैनल को भी, क्योंकि गाड़ियों का स्टॉक हम डालते हैं दोनों चैनलों पर, दोनों अपने चैनल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लाइक कर देना, एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और काम करने में अच्छा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के स्टॉक में आपको दिखाने वाले हैं हम यहाँ पे बेस्ट कार एंड डील का पार्ट टू, जिसमें कि देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आज सारी गाड़ियों की डिटेल्स आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम होंडा अमेज से। तो भैया इसका मॉडल नंबर कितना है गाड़ी का? 2013 मॉडल है भैया, VX टॉप मॉडल। VX टॉप मॉडल में कितनी चली हुई है गाड़ी भैया? ये 75,000 विद रिकॉर्ड, 75,000 विद रिकॉर्ड ये गाड़ी चली हुई है फर्स्ट ओनर के साथ में। और इसका फ्यूल क्या है भैया? डीजल है गाड़ी, डीजल गाड़ी है। और बाकी ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? ये मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल गाड़ी है। और इसका जो है पेपर वगैरह सारे कंप्लीट है? सारे कंप्लीट है भैया। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे होंडा की अमेज खड़ी हुई है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये होंडा की अमेज है, जो कि आपको ये अगेन देखो पावर विंडो में मिल जाएंगे, 4 पावर विंडो इसके मिल जाएंगे। और ये इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, ये इसका स्टेयरिंग है, जो कि स्टेयरिंग पे ये टॉप मॉडल में है। तो इसके देखो वॉल्यूम कंट्रोल के और इसके म्यूजिक कंट्रोल के बटन आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। और दोस्तों ये देख सकते हो इसमें ये कंपनी फिटेड, इसमें भी ये म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, और मैनुअल गियर के साथ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका डैशबोर्ड देख सकते हो आप, और इसके अंदर में जो सीट है, सीट कवर दोस्तों इसमें लेदर फिटेड क्रीम कलर के सीट कवर इसमें लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप इसमें। और अंदर का कंप्लीट इंटीरियर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने इंटीरियर आपको दिखाया इस गाड़ी का होंडा अमेज का, भैया से बात कर लेते हैं इसके आस्किंग प्राइस के बारे में। तो भैया इसके आस्किंग प्राइस कितना है? इसके भैया 3,90,000 डिमांड है, 3,90,000 रुपये। तो भैया जैसे कोई हमारा चैनल का रेफरेंस लेके आपके पास आता है तो कुछ उसे डिस्काउंट कर लोगे? डिस्काउंट मिलेगा भैया। तो दोस्तों डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अब अगली गाड़ी कौन सी दिखाने वाले भैया? 2013 मॉडल है डिजायर, ZXI टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में मिल जाएगी भैया, पेट्रोल में या डीजल में? पेट्रोल में मिलेगी। कितनी चली हुई है गाड़ी भैया? गाड़ी चली है 61,000 किलोमीटर। और इसका ओनर कितना है भैया? ये ओनर सेकंड है भैया, सेकंड ओनर के साथ में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंटीरियर अंदर से। तो दोस्तों ये जैसे मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो कि मारुति की डिजायर खड़ी हुई है,
स्विफ्ट डिज़ायर जो कि कंडीशन आप देख सकते हो, इसमें चारों पावर विंडो आपको मिल जाएंगे और इसके अंदर में देखो वुडन फिनिशिंग में यहाँ पे एक पतली सी पट्टी लगी हुई है वो काफ़ी अमेजिंग लग रही है और वुडन वर्क इसमें और भी अंदर हो रखा है। तो गाड़ी का जो है ना बेज कलर में ये क्रीम कलर के सीट कवर इसमें लगे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। इसमें सीट कवर की कंडीशन आपको दिखाता हूँ अंदर से एक बार मैं, और इसके देखो इसमें भी जो है देखो ये म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन में लगा हुआ है जो कि अलग से लगवाया हुआ है, और ये इसके कंट्रोल करने के यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं, और ये भी मैनुअल गियर में आपको मिल जाएगी। ये गाड़ी का कंप्लीट व्यू देख सकते हैं दोस्तों, ग्रे कलर में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी जो कि UP 16 नोएडा नंबर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। तो दोस्तों जैसे डिजायर यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका भैया आस्किंग प्राइस कितना है? इसकी भी सेम डिमांड है, 3,90,000। 3,90,000 रुपये और वो डिस्काउंट में मिल जाएगा और नेगोशिएबल होगा प्राइस। तो दोस्तों ये अमेज जो है 2015 मॉडल नंबर के साथ में यहाँ पे खड़ी हुई है, सेकंड टॉप मॉडल है। कितनी चली हुई है गाड़ी भैया? ये गाड़ी 45,000 के आसपास। तो दोस्तों 45,000 किलोमीटर ये गाड़ी रनअप है। ओनर कितना है भैया इसका? सिंगल ओनर है भैया, फर्स्ट ओनर के साथ में मिलेगी। पेट्रोल है या डीजल है? डीजल सेगमेंट में भैया, ये डीजल सेगमेंट में गाड़ी है दोस्तों, आपको मिल जाएगी। इसका मैं आपको अंदर से इंटीरियर एक बार दिखा देता हूँ, पहले इसका आप इंटीरियर देख सकते हो अंदर से। इसके भी चारों पावर विंडो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और इसके देख सकते हो आप यहाँ पे इसका डैशबोर्ड, इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ जो कि इसमें भी कंपनी फिटेड यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम। और ये देखो इसके म्यूजिक कंट्रोल और एसी कंट्रोल के यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, ये एसी कंट्रोल करने के लिए बटन दिए हुए हैं, और मैनुअल गियर में ये गाड़ी मिल जाएगी आपको। और ये इसका कंप्लीट इंटीरियर आप देख सकते हो, और इसमें भी जो दोस्तों लेदर फिटेड सीट कवर हैं जो कि ब्लैक और क्रीम के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कंडीशन आप देख सकते हो, कंप्लीट कंडीशन आपको देखो अंदर से इंटीरियर इसका दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों होंडा अमेज जैसे खड़ी हुई है, यूपी 14 नंबर रजिस्टर्ड है ये, गाजियाबाद अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। तो इसका जैसे इंटीरियर आपको दिखाया, अब भैया से बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। भैया कितना आस्किंग प्राइस है इसका? इसकी भैया 4,75,000 डिमांड है। 4,75,000 दोस्तों। अगली गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो खड़ी हुई है, जो कि भैया इसका मॉडल क्या है? एक्सेंट है 2018 मॉडल, होंडा एक्सेंट 2018 मॉडल नंबर, कंपनी फिटेड सीएनजी है, कंपनी फिटेड सीएनजी। तो पेट्रोल और सीएनजी दोनों मिल जाएंगे भैया? तो दोस्तों दोनों में मिल जाएगी, पेट्रोल और सीएनजी में 2018 मॉडल नंबर के साथ में। भैया कितनी चली हुई है गाड़ी? ये गाड़ी चली है भैया 31,000 के आसपास। तो दोस्तों 31,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है जो कि आपको काफी अच्छी कंडीशन में यहाँ पे खड़ी हुई है कार एंड ट्रेड पे। अब मैं दिखाता हूँ इसका इंटीरियर अंदर से, इंटीरियर कैसा है इस गाड़ी का। दोस्तों इंटीरियर आप किसका देख सकते हो, ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में इसका अंदर से इंटीरियर मिल जाएगा, और इसमें दो ही पावर विंडो हैं आगे की, आप देख सकते हो दो ही पावर विंडो हैं। और ये गाड़ी का डैशबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर में भी बेसिक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों। और ये इसमें देख सकते हो आप गाड़ी के सीट कवर एक बार आपको दिखा देता हूँ, सीट की कंडीशन कैसी है। तो इसके ब्लैक और क्रीम की कॉम्बिनेशन में आपको सीट कवर मिल जाएंगे जो कि देख सकते हो कंडीशन इसके सीट कवर की। और ये गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर का व्यू आप देख सकते हो। तो होंडा की एक्सेंट जो खड़ी हुई है काफी अच्छी कंडीशन में, भैया इसका आस्किंग प्राइस कितना है? इसकी भैया 5,75,000 डिमांड है। 5,75,000 रुपए भैया। भैया अगली गाड़ी कौन सी दिखाने वाले हो? टोयोटा एटियोस है भैया 2012 मॉडल, जीडी है। जीडी है जी। तो ये फर्स्ट ओनर में? फर्स्ट ओनर है। पेट्रोल या डीजल? ये डीजल है। तो दोस्तों डीजल में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी जो कि देख सकते हो काफी अच्छी कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। इसकी पूरी में आपको गाड़ी का व्यू एक बार दिखा देता हूँ। तो भैया ये गाड़ी कितनी चली हुई है? ये 85,000 के आसपास गाड़ी चली हुई है। 85,000 किलोमीटर जी। आपको अंदर से इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों इसमें भी आप देख सकते हो चारों पावर विंडो आपको मिल जाएंगे इसमें, और यहाँ पे इसमें डोर के ऊपर स्पीकर भी लगे हुए हैं। और इसका कंप्लीट आप एक बार ये देख सकते हो डैशबोर्ड इसका, और डैशबोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें बेसिक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है अलग से, और मैनुअल गियर के साथ में गाड़ी आपको मिल जाएगी। और इसके सीट कवर जो है ना ब्लैक और क्रीम के कॉम्बिनेशन में लेदर फिटेड सीट कवर है जो कि साफ कंडीशन में देख सकते हो आप। और देखो इसका एक बार कंप्लीट व्यू आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। तो दोस्तों जैसा मैंने इंटीरियर दिखाया आपको ईटीओस का, जो कि अगेन यूपी 14 गाजियाबाद अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, तो भैया इसका आस्किंग प्राइस कितना है? इसकी 3,50,000 डिमांड है भैया।
तो दोस्तों 3,50,000 रुपये इसकी डिमांड है, जो कि काफ़ी अच्छी कंडीशन में कारंट ट्रेड पर खड़ी हुई है। आप आते हो भैया से बात करके डील को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों अगली गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, होंडा की जैज। तो भैया इसका मॉडल नंबर कितना है? 15 मॉडल है भैया, वी टॉप मॉडल है जी भैया। ये कितनी चली हुई है गाड़ी? ये गाड़ी चली 18,000 किलोमीटर ओनली। 18,000 किलोमीटर। मॉडल कौन सा भैया इसका? 2015 मॉडल नंबर के साथ में 18,000 किलोमीटर चली हुई, बहुत अच्छी कंडीशन में, फर्स्ट ओनर के साथ में भैया। जी भैया। तो दोस्तों फर्स्ट ओनर के साथ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो भैया ये पेट्रोल में या डीजल में? ये पेट्रोल में गाड़ी भैया। तो दोस्तों पेट्रोल में ये गाड़ी मिल जाएगी। तो अब मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये गाड़ी देखो आपको मिल जाएगी, जो कि ये अगेन चारों पावर विंडो है इसके अंदर में, और ये यहाँ पे मिरर को कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसका डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ, ये इसका स्टेयरिंग के ऊपर देखो म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये सब बटन दिए हुए हैं यहाँ पे। और इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हो, कंपनी फिटेड इसमें देखो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम है। और इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। और दोस्तों मैनुअल गियर के साथ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ब्लैक और क्रीम के कॉम्बिनेशन में इसके सीट कवर हैं, जो कि काफ़ी साफ कंडीशन में है, आप देख सकते हो इसके सीट कवर। तो देखो कंप्लीट इंटीरियर एक बार इस गाड़ी का मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसका आस्किंग प्राइस कितना है भैया? 5,50,000 भैया। तो दोस्तों 5,50,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है भैया। नेगोशिएबल होगा वो? बिल्कुल नेगोशिएबल है। तो दोस्तों नेगोशिएबल होगा, आप आते हो भैया से बाके बात करके डील को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों आज की जो गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं, ये गाड़ियाँ सारी आपको दिखाई हैं हमने, तो आज का जो पार्ट टू इसका बनाया हुआ है, इसके अंदर में सारी गाड़ियों की डिटेल आपको दी हुई है। और दोस्तों आपके फिर भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, और आप आना चाहते हो यहाँ पे तो गूगल मैप की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों ये था बेस्ट कार ट्रेड का सेकंड पार्ट, जो कि आप लोगों के सपोर्टर प्यार की वजह से मैं चल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। एम शरीफ ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना भाई, स्ट्रगल करा भी मेहनत करा, तो आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी इसको, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझको आपने बहुत सारा प्यार दे दिया ऑलरेडी, और मुझे आपका प्यार मिलता रहता है। तो एम शरीफ ब्लॉग को भी प्यार दें, सपोर्ट करें, और भाई को आज पूरा शूट कर रहा है तो पूरी मेहनत कर रहा है, तो इसकी मेहनत की जो इसको मिलना चाहिए वो दो आप लोग दे सकते हो, आप लोगों की वजह से हमें तो आप हो। बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंजॉय करें, सब्सक्राइब करके रखें, टेक केयर, बाय बाय।